हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत नौसेना में शामिल देश में निर्मित पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना ने चुपचाप अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। बताया जाता है कि फरवरी 2016 में इसे ऑपरेशन के लिए तैयार घोषित किया गया था, जिसके बाद अगस्त 2016 में बेहद गुप्त कार्यक्रम में इस पनडुब्बी को नौसेना को सौंप दिया गया। इसके साथ ही भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने वाला छठा देश बन गया जो इस क्षमता से संपन्न है और जिसके पास जल, थल और वायु में परमाणु ताकत का त्रय पूरा हो चुका है। भारत से पहले अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन के पास ये क्षमता है। अब भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने स्वयं परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया है। भारत ऐसी तीन और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है जिनमें से अरिहंत पहली है। रूस की मदद से बनी है आईएनएस अरिहंत। भारत की यह स्वदेशी पनडुब्बी रूस की मदद से बनी है। 6000 टन की आईएनएस अरिहंत 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से ताकत प्राप्त करती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 1980 के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल से शुरू किया गया था और यह 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च की गई थी। उसके बाद से ही इसके ट्रायल चल रहे थे। 700 किलोमीटर तक कर सकती है हमला। आईएनएस अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और यह 700 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती है। इसे K-15 मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसके नौसेना में शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। हालांकि इसे पूरी तरह से नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत बनाया गया है। इसका मतलब अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत इसका जवाब दे सकता है। भारत की पहली न्यूक्लियर आर्म सबमरीन आईएनएस अरिहंत अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। भारत लंबे समय के इंतजार के बाद परमाणु हथियार संपन्न तिकड़ी का काम पूरा करने जा रहा है। भारत परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम आखिरी बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों को सैन्य बेड़े में शामिल कर चुका है, लेकिन नौसेना के क्षेत्र में यह कार्य बाकी था। खबर है कि देश की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को अगस्त में गोपनीय रूप से कमीशन दे दिया गया। दिसंबर 2016 में इसे गहन परीक्षण चल रहे थे। अरिहंत के फाइनल टेस्ट के दौरान रूस की डाइविंग सपोर्ट सीट ने मदद की। इसका इस्तेमाल जहाजों या सबमरीन के डूबने की हालत में उन्हें बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह पनडुब्बी 83 MW प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर पर काम करती है। इसके जरिए 750 और 3500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकेगा। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में यह क्षमता कम है। इन देशों के पास 5000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। परमाणु संबंध पनडुब्बियों की खास बात यह होती है कि दुश्मन को महीनों तक पता चले बिना इससे परमाणु हमले की जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। 6000 टन वजनी अरिहंत हालांकि अभी तक पूरी तरह से तैनाती के लिए तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय और नेवी की ओर से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक है अरिहंत सबमरीन, आइए जानते हैं। इस पर K-15 या BO-5 शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात हैं। ये 750 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती हैं। अरिहंत K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। यह 6000 टन वजनी न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे पानी के अंदर और पानी की सतह से न्यूक्लियर मिसाइल दागी जा सकती हैं। पानी के अंदर से किसी एयरक्राफ्ट को भी यह निशाना बना सकती है। 6000 टन की आईएनएस अरिहंत 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊर्जा प्राप्त करती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 1980 के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत शुरू किया गया था और यह 2009 में लॉन्च की गई थी। आईएनएस अरिहंत बेहद उन्नत पनडुब्बी है और यह 700 किलोमीटर तक की रेंज में वार कर सकती है। इनमें दो तरह की मिसाइलें लगेंगी। पहली K-15 SLBM जिसकी क्षमता 750 किलोमीटर है, जबकि दूसरी K-4 जो 3500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। इसी विशेषता के कारण इसे सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर श्रेणी में रखा गया है। इस पनडुब्बी में यह क्षमता भी है कि पानी के अंदर से किसी भी विमान को निशाना बना सकती है। दोस्तों, आईएनएस अरिहंत के बारे में ये जानकारी कैसे लगे?